राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पानी की एक अहम समस्या उभर के आप लोगों के सामने आई थी, तो किन पहलुओं पर आपने गौर किया, क्या थी उसके क्या क्या चीजें थी जो वोटर आपसे बोल रहे थे? कार्तिक, निश्चित रूप से हमने ये पाया कि जो सारे राज्यों में, चाहे वो पानी से घिरे हुए राज्य हों, चाहे वो समंदर से घिरे हुए राज्य हों, अलबत्ता समंदर का पानी पीने लायक नहीं होता, लेकिन जो देखा है 50-60 वर्षों में, जो इस देश में जितनी भी हमने तरक्की की है उसमें, लेकिन हम पानी को सबसे भूल गए। हर जगह हमने पानी को ऐसे ध्यान नहीं दिया। आबादी जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से पानी जुटाने का हमने जो जरिया खोजना था हमने नहीं खोजा। मसलन आज भी बारिश के दिनों में 70% पानी हमारी नदियों का फालतू चला जाता है, हम उसे रोक नहीं पाते। अब केरल में हम लोग गए, जैसे केरल में हमने देखा वहाँ पे कि पानी से घिरे हुए लोग हैं, साल भर पानी में रहते थे, और चुनाव की वजह से वहाँ के लोगों को रोज 2 लीटर पानी पीने के लिए मिल रहा था। उनकी आशंका यह थी कि जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे उनको ये पानी हफ्ते में 2 लीटर पर हेड मिलेगा एक आदमी के ऊपर। मैं आपको बताना चाहूंगा केरल में जो हमारे लोगों ने जो बताया कि किस तरह से वो समस्या को महसूस कर रहे थे पानी के। देखिए, ഒന്നേ മഴയെ ആശ്രയിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് 8-10 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് വണ്ടിയാൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കുടിക്കുകയാണ്. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് 2 ലിറ്റർ വെള്ളം, ഒരു ദിവസത്തേക്ക് 2 ലിറ്റർ വെള്ളം വീതം 15 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കൊണ്ടത്തരും. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ताहिर जी, आपने पानी की कमी महसूस करी, जिन इलाकों में पानी पानी, रविंदर आप राजस्थान गई थी।